अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जावेद इकबाल एवान। आज से मैं आप लोगों के लिए ASP.NET MVC पे एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है आइसक्रीम पार्लर। बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक वेबसाइट ASP.NET MVC पे एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा है, जिसमें वो चाहता है कि वो एडमिन पैनल से लॉग इन होकर आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स हैं उसको ऐड कर सके, इसके अलावा आइसक्रीम की रेसिपी भी वो ऐड कर सके, और इसके बाद जो है वो यूज़र लॉगिन हो, और जब लॉगिन हो जाता है तो गेस्ट यूज़र अगर है तो फिर तो वो फ्लेवर भी देख सकता है, रेसिपी देख भी सकता है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड यूज़र है और वो पेमेंट करता है इसको बाकायदा मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे उसको पेमेंट करेगा, तो देन वो किसी भी रेसिपी को यूज़र किसी भी रेसिपी को ईमेल कर सकता है, अपने किसी भी ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है इसकी वेबसाइट के थ्रू, फ्लेवर को ईमेल कर सकता है और रेसिपी को भी ईमेल कर सकता है। इसके अलावा वो ये चाह रहा है कि वो अपनी वेबसाइट के में कुछ बुक्स रखना चाहता है रेसिपी की, जिसको यूज़र जो है वो ऐड टू कार्ट करके, यानी जस्ट लाइक एज ए शॉपिंग कार्ट, और उस बुक को जो है वो परचेज़ कर सके, और उसकी एक प्राइस होगी, और उसकी प्राइस की वो पेमेंट अगर कर देता है तो देन वो उसको जो है वो उसको डिलीवर कर देगा उसके एड्रेस के ऊपर जो उसने एड्रेस पास किया होगा, तो बुक भी यानी वो परचेज़ भी कर सकता है, तो रेसिपी किसी को ईमेल कर सकता है, फ्लेवर किसी को ईमेल कर सकता है, और साथ में बुक जो है वो भी परचेज़ कर सकता है इसकी वेबसाइट के थ्रू। यानी वो इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहा है कि उसका आइसक्रीम बहुत फेमस है और उसके नाम से आइसक्रीम बिकती है, तो वो चाहता है कि लोग आए और उसकी वेबसाइट पर आके और फ्लेवर भी ले लें, रेसिपी भी ले लें, खुद बनाने की कोशिश करें वो आइसक्रीम को, लेकिन फ्री में नहीं है, वो पेमेंट के थ्रू होगी, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ जो उसने पेमेंट दी होगी यूज़र ने, तो फिर वो रेसिपी किसी को मेल भी कर सकता है, चाहे वो अपने आप को मेल कर दे वहाँ से या किसी और को मेल कर दे। तो ये सारी वैरायटी वो चाहता है अपनी वेबसाइट पर, और साथ में जो उसकी बुक्स है, क्योंकि वो बड़ा फेमस है आइसक्रीम पार्लर, तो वो जो उसकी बुक्स हैं वो उस बुक को भी अगर वो सेल करना चाहता है, तो यूज़र अगर उस बुक को परचेस करना चाहता है तो देन वो इसकी वेबसाइट के थ्रू जो है वो उस बुक को परचेस कर सकता है। तो मैं डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच को यूज़ करूँगा, इसमें मैंने डेटाबेस बनाया है। अगर आप इसको कोड फर्स्ट की अप्रोच पर काम करना चाहते हैं तो जो डेटाबेस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आप इसके एंटिटीज़ बना लेंगे तो वो कोड फर्स्ट पर काम हो जाएगा, बाकी पूरी एप्लीकेशन तो मैनुअल में कोड से बनाऊँगा। तो डेटाबेस जो मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो इस वक्त जैसे तीन एप्लीकेशन चल रही है एक साथ, तो टाइम शॉर्ट है, तो मेरी कोशिश है कि भी आप जो है खुद से इसको एंटिटीज़ बना के कोड फर्स्ट कर लें या फिर मॉडल फर्स्ट कर लें। और मैं फिलहाल जो है डेटाबेस फर्स्ट पे डेटाबेस शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं वन बाई वन कंट्रोलर और व्यूज़ वगैरह साथ साथ बनाता रहूँगा। इसमें जो टेबल्स हैं मैं आपके सामने रख दूँ, फ्लेवर के नाम से टेबल बनाना चाहता है, और उस फ्लेवर्स के टेबल के अंदर फ्लेवर की आईडी है, फ्लेवर का नाम हो गया, और जो इंग्रेडिएंट्स हो गए, प्रोसीजर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, और उसका इमेज वो पास करेगा एडमिन पैनल से। इसी तरीके से यूज़र्स के नाम से वो टेबल बनाना चाहता है, जिसमें यूज़र की आईडी है, यूज़र का नाम है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, एड्रेस है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, यूज़र की टाइप होगी, मैं एक ही यूज़र्स के लिए बनाऊँगा, यूज़र की टाइप होगी, बेसिकली लॉगिन में एक ही बनाऊँगा, तो इसलिए मैं यूज़र की टाइप दे रहा हूँ। यहाँ पर टाइप के अंदर मैं जो है वो एक अलग से टेबल बना रहा यूज़र टाइप के नाम से, जिसमें वन और टू में पास करूँगा, वन में एडमिन के लिए रखूँगा और टू जो है मैं यूज़र्स के लिए रखूँगा, तो यहाँ से उसके टाइप को मैच करेंगे, यूज़र की टाइप को चेक करके मैच हो जाएगी। फिर इसके बाद जो यूज़र होगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट में टाइप यहाँ पर टू पास कर दूँगा, जो यूज़र टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू टू चली जाएगी, और टू जो है होगी वो यूज़र्स के लिए होगी, और वन जो होगी वो मैं या कोई भी और नंबर रखना चाहूँ तो मैं उसको एडमिन के लिए रखूँगा। इसी तरह से जो कार्ड नंबर है, फिर ज्वाइनिंग की डेट है, फिर उसको जो है एक्टिव करने के लिए वो एडमिन के पास जाएगा ये अकाउंट, और एडमिन उसको एक्टिव करेगा, जो एडमिन को उसको पेमेंट मिल जाती है तो उसको एक्टिव कर देगा, तो देन उसके बाद वो लॉगिन हो सकता है, उससे पहले लॉगिन नहीं हो सकता, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो है वो मैं इज एक्टिव में जो है वो एक्टिव नहीं रखूँगा, फॉल्स रखेंगे, और जब वो एडमिन के पास जाता है और उसको पेमेंट मिल जाती है एडमिन को, तो देन वो उसको जो है वो उसको एक्टिव कर देगा, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो फिर मैं लॉगिन करते हुए उसको चेक कराऊंगा कि अगर वो एक्टिव हो गया है तो देन वो उसको लॉगिन का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज उसको लॉगिन का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस एक्टिव के कॉलम रख दिया है।
इसी तरीके से एक टेबल और बना रहा सब्सक्रिप्शन के नाम से, वो किसी भी हमारे आइटम को जो है सब्सक्राइब कर सकता है। सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब की आईडी होगी, टाइटल होगा, उसकी डेज हो जाएंगे जो हम उसके अंदर पास करेंगे। इसी तरह सब्सक्रिप्शन की पेमेंट, जब सब्सक्राइब करना चाहेगा तो लाजमत उसकी पेमेंट भी करेगा, तो उसमें जो यूज़र आईडी होगी, जो ऑलरेडी उसका अकाउंट में आईडी क्रिएट हुई हुई है जो यहाँ पे प्राइम फ़ौरन की होगी, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी वो भी फ़ौरन की होगी। सब्सक्रिप्शन या आईडी जो प्राइमरी की है उसकी, ये फ़ौरन की बनेगी। मैं लास्ट में प्राइमरी की फ़ौरन की रिलेशनशिप सबसे आखिर में बताऊँगा। फ़िलहाल जो है कॉलम को आप देख लें ताकि साथ साथ ऐसे ही बना लें, और उसके अलावा जो है डेट का मैंने कॉलम बनाया हुआ है। इस तरह से रेसिपी के नाम से कॉलम बनाया है जिसमें रेसिपी की आईडी हो जाएगी, जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, रेसिपी के अंदर में इमेज है और इंग्रेडिएंट्स इसके आ जाएंगे, प्रोसीजर है, डिस्क्रिप्शन है, यूज़र आईडी है, पब्लिश आईडी है, पब्लिश डेट है, रेसिपी के टाइप है, फी, और फिर इस सेलेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो कि बूलियन होगा। और फीडबैक्स के नाम से टेबल होगा जिसमें फीडबैक आईडी हो गया, फीडबैक डिटेल्स हो गए, यूज़र आईडी हो गया, नेम हो गया, डेट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, और ईमेल आप पास कर देंगे। ये हमारे पास फीडबैक जो यूज़र देगा, फीडबैक देगा एडमिन को, जो एडमिन फीडबैक को पढ़ सकता है, तो फिर यहाँ पे उसको जो है फीडबैक का टेबल आ गया। बुक्स के नाम से जो बुक जो है वो सेल के लिए रखेगा उसके लिए टेबल बनेगा जिसमें बुक की आईडी होगी, बुक का टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, बुक की इमेज हो जाएगी, बुक की प्राइस हो जाएगी, और फिर इसके बाद जो है वो डेट आ जाएगी हमारे पास कि जिस डेट को हमने बुक ऐड की है इसके अंदर। तो अब ये बुक का ऑर्डर करना चाहता है तो फिर ऑर्डर का टेबल बनेगा उसके लिए, उसमें ऑर्डर की आईडी है, यूज़र आईडी है, स्टेटस है, डेट है, नेम है, कॉन्टैक्ट है यूज़र का, और इसी तरीके से जो है वो ईमेल आईडी हो गई, यूज़र की एड्रेस हो गया, कार्ड नंबर हो गया, और अमाउंट जो पे करेगा उस बुक के अगेंस्ट में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम इस टेबल में रख देंगे। ऑर्डर की डिटेल्स हमारे पास आएगी जो यूज़र के पास, एडमिन के पास जाएगी, इसमें ऑर्डर की डिटेल्स आईडी हो जाएगी, ऑर्डर की आईडी हो जाएगी, बुक की आईडी हो जाएगी, और प्राइस हो जाएगी, ताकि उसको पता चल जाएगा कि इसकी भी पेमेंट हो चुकी है, ऑर्डर डिटेल्स है, ताकि वो उसको पार्सल को आगे डिलीवर करेगा एडमिन पे। रेसिपी की पेमेंट के लिए अलग से टेबल बना दिया जिसमें रेसिपी का पेमेंट की आईडी हो जाएगी, रेसिपी आईडी हो जाएगी जो कौन सी रेसिपी लेना चाहता है, मेल करना चाहता है, और यूज़र आईडी कौन है उसकी भी जो है आईडी जनरेट हुई वो फ़ौरन की बन जाएगी, डेट है, कार्ड नंबर है, और इसी तरीके से उसकी जो है वो फ़ी है, फीस उसकी आ जाएगी जो मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे वो पेमेंट करेगा। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है जो टेबल बनेंगे। अब मैं आपको इसके साथ साथ जो है वो प्राइमरी की फ़ोन की रिलेशनशिप मैंने सबसे आखिर में बनाया था, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, देख लें। मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसमें मैंने फ्लेवर के टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, या देख ले चले बसता नहीं। बाकी टेबलों में वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको देखते रहिएगा। और अगर आप एंटिटीज बनाना चाहते हैं तो फिर देन उसको भी आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर आप डेटाबेस से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्राइमरी की और फोरन की बनाने में आसानी रहेगी। मैं आपको सब डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा देखें, रिलेशनशिप जो बनाया हुआ, देखें फ्लेवर का मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया, मैंने भी आपको बताया था, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। बाकी देखें यूज़र्स जो है उसके रिलेशनशिप बना हुआ है हमारे पास, फीडबैक के साथ भी है, यूज़र का रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो रेसिपी के पेमेंट के साथ भी है, और इसी तरीके से यूज़र का रिलेशनशिप हमारे पास सब्सक्रिप्शन पेमेंट के साथ भी है, और यूज़र का रिलेशनशिप ऑर्डर के साथ भी आएगा, यानी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है सब में। तो इसी तरह यूज़र का जो रिलेशनशिप जो है वो रेसिपी के साथ भी आएगा। तो अब मैं आपको यहाँ रखता हूँ, देखिए अब ये यूज़र्स हैं, यूज़र के साथ ये प्राइमरी की है, और उसके साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है रेसिपी पेमेंट के साथ, फीडबैक के साथ, सब्सक्रिप्शन पेमेंट के साथ, और इसी तरीके से ऑर्डर्स के साथ भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, और रेसिपी के साथ भी इसका वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है जी। फिर जो बाकी टेबलों में मैं आपको बताऊँ, बाकी टेबलों में ऑर्डर्स के टेबल के अंदर प्राइमरी की है, और ऑर्डर की डिटेल्स के अनुसार वो फ़ौरन की आ जाएगी, और यहाँ पे रेसिपी पेमेंट के साथ, अच्छा रेसिपी के अंदर जो प्राइमरी की है, रेसिपी आईडी जो प्राइमरी की है वो फ़ौरन की बनेगी रेसिपी पेमेंट के साथ, और इसी तरीके से बुक्स के अंदर जो बुक आईडी प्राइमरी की है वो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर बुक आईडी फ़ौरन की जाएगी, और सब्सक्रिप्शन में जो प्राइमरी की है सब्सक्रिप्शन आईडी वो सब्सक्रिप्शन पेमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन आईडी जो है यहाँ पे फ़ौरन की होगी।
तो इन दोनों टेबलों का आपस में वन सबका वन टू मैनी का ही आपस में एक दूसरे रिलेशनशिप है। तो ये देखिए जहाँ वन टू मैनी हो गया, फिर चौके यूज़र्स के साथ भी सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ पे यूज़र्स के साथ ये वन टू मैनी जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इनको आपस में करता हूँ तो इन दोनों का तो 80 आपस में कॉन्टैक्ट है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। और यूज़र्स का जो है वो ऑर्डर्स के साथ भी है, यूज़र्स का जो है वो रेसिपी के साथ भी है, और यूज़र्स का जो है वो सब्सक्रिप्शन पेमेंट के साथ भी है, और यूज़र्स का सीधे से रेसिपी पेमेंट के साथ भी है। और यहाँ पे जो अलग से जो है वो पेमेंट रेसिपी रेसिपी के अंदर जो रेसिपी आईडी प्राइमरी की है वो पेमेंट रेसिपी पेमेंट के अंदर रेसिपी आईडी जो है फॉरेन की जा रही है। और ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी जो प्राइमरी की है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो है यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है आपकी ये फॉरेन की बन जाएगी। और इसी तरीके से बुक्स के अंदर बुक आईडी प्राइमरी की है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर बुक आईडी फॉरेन की बन जाएगी। तो ये रिलेशनशिप बनाया हुआ इन टेबलों के दरमियान में। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको कोड फर्स्ट की एंटिटी से बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप सिंपल जो है वर्चुअल के और आई कलेक्शन यूज़ करते हुए इनमें जो है वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना लेंगे। और अगर आपने इसी डेटाबेस को यूज़ करना है और मॉडल फर्स्ट पे या डेटाबेस फर्स्ट पे आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो देन उस वक्त भी आपको सब इजी आपके सामने समझ में आ गया होगा कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो आप उस हिसाब से रिलेशनशिप बनाएं। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो है उसके बारे में जो भी आपकी जो इश्यूज़ होंगे उसको सॉल्व कर दूंगा। और इसको आज आप बना लें तो इंशाल्लाह ताला जो है वो कल मैं जो है उसमें मज़ीद कोशिश करके इसमें एडमिन पैनल इसमें फाइनल कर दूंगा। साथ में दूसरी एप्लीकेशन जो चल रही है उनके भी एडमिन उन पर साथ साथ काम करते रहेंगे। तो अगर कोई भी इशू होता है उस दिन आप जो है वो मुझे कॉन्टेक्ट करें। और इजी ओके, मैंने आपको पूरी इसके पूरी डिटेल में समझा दी है। आप इसको जो है उसको देख के वन बाई वन बनाना शुरू करें। और जहाँ पर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर दें, मैं आपको हेल्प करूँगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और जो है कोई और अगर आपको किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट चाहिए, सब स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में मैं सारे काम कर रहा हूँ। जो रिक्वायरमेंट आती है मैं उसके अगेंस्ट में वो एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो मुझे कोई इशू नहीं है, एक साइड से मैं आप लोगों की जो हेल्प होती रहती है इस तरीके से। तो आपको और भी कोई किसी को कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना हो, किसी भी टॉपिक पे चाहिए और रिक्वायरमेंट मेरे साथ शेयर करें तो मैं जैसे टाइम मिलता रहेगा उसके साथ जो है आप लोगों के साथ जो है वो प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा। तो अगर इसमें कोई भी इश्यूज़ हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।